आगाज है और मैं सारे मैचेस खेल पाऊंगा, मुझे पूरा विश्वास है। स्वागत है आप सबका गेमिंग विद अभिनीत। पहला मैच मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। मेरे हिसाब से भैया ये प्लेइंग 11 रहने वाली है। एक रिस्क यहाँ पे मैंने लिया है, वो है भैया चेन्नई सुपर किंग्स में से सैम करन को खिलाया है। वो माइट भी खेले माइट भी ना खेले, बट मुझे लेफ्ट आर्म पेसर एक भैया टीम में चाहिए था, इस वजह से सैम करन है। तो चेन्नई ने यहाँ पे हेड स्काई डस्टी ट्रैक है जैसे कि हमने देखा है, और मैं चेन्नई की तरफ से खेलूंगा, जो भी अवे साइड होगी वो लूंगा। तो भैया हेड्स आया है और यहाँ पे धोनी ने टॉस जीता है और बॉलिंग का फैसला लिया है। डस्टी पिच पहले बॉलिंग रिस्की हो सकता है, लेकिन आई थिंक सोच सीधी है, बहुत दिनों बाद खेल रहे हैं तो ट्राई करते हैं। पहली गेंद शुरुआत आईपीएल की, रोहित शर्मा खेलेंगे। पहली ही गेंद बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव खेला उन्होंने, टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं आई, एक रन यहां पे आराम से मिलता हुआ उन्हें। चलिए भैया दूसरी गेंद आ चुकी है स्ट्राइक पे, क्विंटन डीकॉक है, सॉरी तीसरी गेंद है और बोल्ड हो गए हैं वो यहाँ पे। बहुत ही अच्छी गेंद थी, बाहर जाती हुई गेंद, छेड़ना चाहिए नहीं था, लेकिन क्विंटन डीकॉक भैया क्यों छेड़ दिया इस बॉल को, बहुत ही बुरी तरह बोल्ड हुआ। और बेल्स वहाँ पे भैया डांस करती हुई, वो भी खुशी करती हुई आईपीएल की, बहुत ही बढ़िया। शार्दुल ठाकुर लेते हुए वहाँ पे विकेट और क्विंटन डीकॉक की पारी समाप्त होती हुई। ईशान किशन आए हैं विकेट कीपर, बैट्समैन बहुत ही ऑसम बैट्समैन है यार ये। YouTube पे डेफिनेटली इनकी हाइलाइट्स देखना अगर आपने नहीं देखी होगी, कि आप बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। चलिए चौथी गेंद इस ओवर की, और आते ही पहली ही गेंद पे लगा दिया ईशान किशन ने चौका। मैं कह ही रहा था YouTube पे जाने की जरूरत नहीं, अपने पे ही देख लो भाई, बढ़िया खेल रहे हैं। शार्दुल ठाकुर कुछ नहीं, अगली गेंद लास्ट बॉल आ चुकी है इस ओवर की, और रोहित शर्मा की क्लास दिखती हुई वहाँ पे, क्या बढ़िया चौका लगाया है ये। लग ही नहीं रहा काफ़ी देर बाद क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखिए भैया बहुत ही अच्छा चौका था ये, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, क्या बढ़िया एंड तक जाके उसको कट किया, बहुत अच्छा चौका। और अब सैम करन करा रहे हैं गेंदबाजी और बहुत अच्छा शॉट है, चार रन बहुत ईजिली आएंगे यहाँ पे। और अच्छा स्टार्ट है एमआई का, हालांकि विकेट गिरा है, लेकिन एवरेज बहुत अच्छी चल रही है वहाँ पे उनकी। चलिए लास्ट बॉल आ चुकी है, सैम करन आगे ईशान किशन, और क्या बढ़िया चौका, एक और अच्छा चौका लगता हुआ वहाँ पे, एज लगा है वैसे तो, पर चौका अच्छा भैया, चौके अच्छे ही होते हैं। चलिए अगली गेंद, तीसरी गेंद आती हुई इस ओवर की, बहुत ही बढ़िया खेला उसको, हुक कर दिया चार रनों के लिए, बढ़िया चौका एक और आता हुआ। कितने बढ़िया चौके आएंगे, खतरनाक चौके कब आएंगे, अभी तक बढ़िया आ रहे, खतरनाक चौका इनमें से कोई भी नहीं। अगली गेंद आती हुई, ये भैया खतरनाक शॉट था, हवा में खेला था उसको, और चार रन मिलेंगे। रोहित शर्मा बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे चौके लगा रहे हैं। तीसरी गेंद इस ओवर की, और एक बार फिर से रोहित शर्मा का बढ़िया शॉट, पीछे फील्डर है लेकिन फील्डर के कुछ भी समझ नहीं आएगा, चार रन और मिलेंगे वहां पे। चलिए भैया चार ओवर हो चुके हैं, अगली गेंद, और ये अच्छी गेंद लग रही है, अपील कर रहे हैं आउट, तो आउट देंगे अंपायर यहाँ पे, आउट दे देंगे भैया। ओके मुझे ही आउट नहीं लग रहे थे, गेंद अच्छी थी, हल्की सी अंदर आई और बढ़िया वहां पे चाहर की गेंदबाजी होती हुई। रोहित शर्मा रिव्यू के लिए जाते नहीं जाते, बिल्कुल जाएंगे, रोहित शर्मा को भी ये नॉट आउट लग रहा है, और थोड़ा सा डाउट तो मेरे भी दिमाग में चल रहा है, देखते हैं क्विकली क्या बनेगा। तो नो बॉल तो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं है, मुझे लग नहीं रहा, बैट भी लगा है, एक बार ध्यान से इसको देखते हैं। रोहित शर्मा देखिए इसको आराम से लेग साइड पे खेलना चाहते थे, गेंद हल्की सी अंदर आई और बैट बिल्कुल भी नहीं लगा है वहाँ पे, तो यहाँ से आई थिंक बैटर व्यू दिखेगा। पिचिंग इन लाइन थी, ओके आई थिंक बाउंस इस पे हो सकता है, इम्पैक्ट भी लाइन पे था, और विकेट सेटिंग थी, क्या बढ़िया अंपायरिंग ही है, बिगेंड के अंपायर इतने अच्छे कब से होने लग पड़े, मुझे भी ये नॉट आउट लग रहे थे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग। रोहित शर्मा आउट होंगे और रिव्यू भी जाएगा मुंबई इंडियंस का, अच्छे खेल रहे थे, बहुत बढ़िया विकेट है भैया। दीपक चहर कमाल करते हुए 15 रन बनाए 10 गेंदों पर, 3 चौकों की मदद से उन्होंने। चलिए सूर्य कुमार यादव नए बल्लेबाज आए हैं और हिटिंग अच्छी करते हैं भाई, ये स्ट्राइक रेट देखिए 136 से ऊपर का। और दीपक चहर पहली ही गेंद पे विकेट ले लिया, क्या बढ़िया, वो भी रोहित शर्मा की। चलिए दूसरी गेंद आती हुई, सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पे, और एज लगेगा, एक बार फिर से अच्छी गेंद थी, हल्की सी हवा में फिर से स्विंग हुई थी, चार रन मिलेंगे। ट्रैक डस्टी है लेकिन पेसर्स अभी तक बढ़िया बॉलिंग करा रहे हैं, ये देखिए एज लगा था वहाँ पे और बहुत ही आराम से चौका निकल गया। सूर्य कुमार यादव के समझ में नहीं आया हुआ गया यहाँ पे। तीसरी गेंद आती हुई इसी बीच दीपक चहर स्ट्राइक पे, और ये बढ़िया शॉट है, पीछे फील्डर है, बट 6 रन बहुत ही आराम से मिल जाएंगे, बढ़िया सिक्स आता हुआ वहाँ। और सूर्य कुमार यादव बढ़िया स्टार्ट किया भैया, दो बॉलें उन्होंने ऐसे खेली है जैसे सेट हो गए आए हैं बिल्कुल। और ये देखिए एक बार रिप्ले देखते हैं, पहला छक्का आज का ये, क्या बढ़िया सिक्स लगाया था उन्होंने। चलिए पांचवी गेंद इस ओवर की, और बोल्ड कर दिया भाई, क्या खतरनाक बॉल थी, बहुत ही बढ़िया गेंद, आउटस्विंग हुई है और ऑफ स्टंप अपना साथ ही ले गई।
बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया विकेट एक और मिलती हुई वहाँ पे। मुश्किलें जो है मुंबई इंडियंस की काफ़ी बढ़ चुकी है भैया, विकेट्स काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, कुछ सोचना होगा उन्हें। नए बल्लेबाज कौन आते हैं ये भी देखना होगा यहाँ पे। तो पोलार्ड आए हैं नए बल्लेबाज, हिटिंग और स्ट्राइक रेट देखो भाई 150 से ऊपर का, 5.1 ओवर हो चुके हैं। रविंद्र जडेजा वहाँ पे गेंदबाजी कराएंगे, आगे ईशान किशन, और ईशान किशन अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा चौका खेला उन्होंने लेग साइड की तरफ, 4 रन मिलेंगे बहुत ही आराम से। 3 विकेटें वहाँ पे मुंबई इंडियंस की गिर चुकी है, 48 हो चुका है उनका स्कोर। ईशान किशन स्ट्राइक पे, रविंद्र जडेजा अगली गेंद, और इस बार लेग साइड पे खेला है, हवा में खेला है, पीछे फील्डर है, 6 रन बहुत ही आराम से मिल जाएंगे। क्या बात है, इतने आराम से ये सिक्स मारा है कि क्या बोलूँ। 95 मीटर लंबा चक्का था, काफी लंबी बाउंड्री है भैया, 6 ओवर हो चुके हैं, ये खतरनाक हो सकता है। दीपक चहर आज बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, अपील हुई है वहां पे, नॉट आउट का अंपायर ने, क्या रिव्यू के लिए जाते हैं चेन्नई सुपर किंग्स या नहीं। महेंद्र सिंह धोनी, शेन वॉटसन वहां पे बातें करते हुए और रिव्यू के लिए जा रहे हैं, वॉटसन आई थिंक रिव्यू ले रहे हुए वहां पे, तो क्या बनेगा ये। बैट तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा, लगा है नो बॉल भी नहीं है ये, और एक बार यहाँ से बैटर पता चल सकता है। कारण पोलार्ड का विकेट बहुत बड़ा है, तो अगर थोड़ा सा भी रिस्क इन्वॉल्व होगा तो वो जाएंगे जरूर। वही यहाँ पे किया तो बैट तो भैया इन्वॉल्व नहीं हुआ है, माइट भी ऑफ स्टंप मिसिंग हो जितना मुझे लग रहा है, बैट की इन्वॉल्वमेंट कहीं से भी नहीं दिख रही है यहाँ पे, यहाँ से बैटर व्यू दिखेगा तो। पिचिंग इन लाइन है ये, ओके, मुझे थोड़ा सा अभी भी लग रहा है बाहर को निकल जाएगी, अंपायर्स कॉल रहेगा, इम्पैक्ट और विकेट मिसिंग है, तो आई थिंक बाउंस ज़्यादा है यहाँ पे, ऑफ स्टंप पे शायद लग जाती, बट बाउंस बहुत ज़्यादा था तो चांस ही नहीं था, तो रिव्यू वेस्ट होता हुआ। दोनों टीमों ने अपना रिव्यू जो है वो ख़राब कर लिया काफ़ी जल्दी, सिर्फ 6 ओवरों के अंदर। चलिए अगली गेंद, और अब पोलार्ड को गुस्सा आ गया भैया, लगा दिया सिक्स उन्होंने, बहुत ही बढ़िया सिक्स लगा, काफ़ी सिक्सेस लग रहे हैं यहाँ पे मुंबई इंडियंस की तरफ से, और काफ़ी लंबे लंबे सिक्स लग रहे हैं। चलिए भैया रविंद्र जडेजा स्ट्राइक, ओ सॉरी, रविंद्र जडेजा गेंदबाजी कराएंगे और बढ़िया शॉट लगाएंगे वहाँ पे कायरन पोलार्ड, फील्डर नहीं पहुँच सकते, कोशिश पूरी की, एंड में थोड़ी सुपर पावर भी आई उनके अंदर, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। रविंद्र जडेजा लास्ट बॉल दूसरे ओवर की कराते हुए, ईशान किशन की अलग ही फॉर्म, अलग ही शॉट्स लगा रहे हैं, 4 रन और मिलेंगे। ईशान किशन बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, 4 रन देते हुए अंपायर भी। चलिए 8 ओवर डन हो चुके हैं, कायरन पोलार्ड स्ट्राइक पे, पीयूष चावला की पहली गेंद, सीधा खेला उसको, पीछे फील्डर है, कैच हो सकते हैं भैया, और डीजे ब्रेवो, क्या यहाँ पे गाने बजने वाले हैं, ब्रेवो के, बिल्कुल ब्रेवो के हाथों से गाने बजेंगे भैया, डांस भी कर रहे हैं, भंगड़ा पूरा वहाँ पे होता हुआ। बहुत चाहे बाउंड्री लाइन के बाहर मार दिया उन्होंने, पर पीयूष चावला आते ही पहली गेंद पे विकेट, पहले दीपक चहर, अब पीयूष चावला, क्या बात है। कायरन पोलार्ड सिर्फ 14 रन बनाए, चौका छक्का भी लगाया वैसे तो, बट जल्दी विकेट भी गिरा दिया, काफ़ी जल्दी खेलने की कोशिश कर रही है मुंबई। हार्दिक पांड्या आ चुके हैं भैया, GWA रिसेंटली जो अपना चल रहा है वहाँ पे हार्दिक पांड्या की बिल्कुल भी फॉर्म नहीं है, यहाँ देखते हैं क्या करते हैं वो। और पीयूष चावला दूसरी गेंद कराएंगे, स्ट्राइक पे ईशान किशन है, चलिए क्या बनेगा। ईशान किशन 35 पे खेल रहे हैं, 21 गेंदों पे बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, और देखिए एक बार फिर से भैया बहुत ही अच्छा चौका लगाया, क्या गैप्स ढूंढ रहे हैं भाई, अलग लेवल का क्रिकेट दिखाया है ईशान किशन ने, और वो दिख रहा है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है आज उनके अंदर। चौथी गेंद आएगी यहाँ पे, ईशान किशन अब 39 पे है, और ये आउट हो सकते हैं, बिल्कुल आउट होंगे। महेंद्र सिंह धोनी का बहुत ही अच्छा कैच है, अंपायर भी आउट देंगे इसको, तो रिव्यू किसी भी टीम के पास बचा नहीं है, तो बढ़िया विकेट, वैसे भी बहुत बड़ा एज था तो रिव्यू की कोई कहानी बनती भी नहीं। 39 रन बनाए, ज़्यादा तारीफ होगी, 50 बना नहीं पाए, पर जितना खेले बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेला उन्होंने। क्रुणाल पांड्या आ चुके हैं, तो पांड्या ब्रदर्स भैया वहाँ पे पिच पे आ चुके हैं, क्या कुछ मैजिक होने वाला है वहाँ पे देखते हैं। चलिए हार्दिक पांड्या अपनी पहली गेंद खेलेंगे, रविंद्र जडेजा गेंदबाजी कराएंगे, और महेंद्र सिंह धोनी का बहुत ही अच्छा कैच, हार्दिक पांड्या पहली ही बॉल पे आउट होते हुए। रविंद्र जडेजा खतरनाक बॉलर इसीलिए है भाई क्योंकि ऐसे काम कर सकते हैं, वो पहली बॉल, हार्दिक पांड्या आउट, फॉर्म उनका इस गेम में कब आएगा ढूंढ के लाना पड़ेगा। नैथन गुल्डन आ लाया, 42 हाईएस्ट है उनका, आज टीम को ऐसी कुछ जरूरत है, इतने की रन मार दो भैया, बट इजी नहीं होने वाला है। 2 रन बना चुके हैं ऑलरेडी, और बढ़िया शॉट यार, अच्छा चौका लगाया, 6 विकेटें गिर चुकी है 80 पे, बहुत ही मुश्किल में है मुंबई इंडियंस, क्या कमबैक कर सकते हैं देखना यहाँ पे, यही है कितना स्कोर जाता है और क्या कमबैक कर सकते हैं। डस्टी पिच है, बाद में बैटिंग करना इजी नहीं होने वाला है, और देखते हैं। कुल्टन नाइल का एक और चौका, क्या बात है, बैक टू बैक तो नहीं है, आई थिंक 2 चौके, बट उन्होंने बहुत ही अच्छे लगाए हैं वहाँ पे। पीयूष चावला बिल्कुल खुश नहीं है। चलिए 11 ओवर डन हो चुके हैं, 90 पे 6 विकेटें ऑलरेडी गिर चुकी है। रविंद्र जडेजा गेंदबाजी कराते हुए, हवा में जरूर थी ये गेंद, लेकिन 4 रन मिल जाएंगे। नैथन कुल्टन नाइल भाई 3 चौके लगा चुके हैं, क्रुणाल पांड्या को स्ट्राइक ही नहीं दे रहे, कहानी उल्टी डाल दिया उन्होंने, ऐसा लग रहा है भैया क्रुणाल पांड्या से अच्छी बैटिंग करके दिखाना चाहते हैं। अगली गेंद इसी बीच, और ये क्या शॉट खेला है, 4 रन बनते हैं भाई ये तो,
और आई थिंक आज का बेस्ट शॉट है ये, बहुत ही फाइन खेला था, बहुत ही बढ़िया खेला था। रविंद्र जडेजा बिल्कुल खुश नहीं है इसको लेके, और 12 ओवर हो चुके हैं, 99 टीम का स्कोर, फाइनली वक्त आ चुका है, 100 बनेंगे और चौके से बनेंगे, क्या बात है, बहुत ही अच्छा चौका। नैथन कुल्टन, नहीं भाई मैंने वैसे ही बोल दिया था यार, आप तो सच्ची 40 रन के आसपास बनाने चले हुए। नेक्स्ट गेंद और भाई इतना फाइन चौका लगाया उन्होंने, ये क्या क्या हो क्या गया यहाँ पे, एकदम से जज्बात बदल दिया इन्होंने पूरे टीम के। कहाँ एक टाइम लग रहा था शायद 100 रन भी ना बने, 116 हो चुके हैं, और पीयूष चावला गेंदबाजी कराएंगे कृणाल पांड्या स्ट्राइक पे, और अब जोश जो है वो कृणाल पांड्या के अंदर भी आ चुका है। 8 बॉलों पे सिर्फ 1 रन बनाया था, लेकिन यहाँ पे अच्छा चौका लगाया, तो ये दोनों कुछ मुश्किलें खड़ी करते हुए वहां पे चेन्नई के लिए। शार्दुल ठाकुर अब गेंदबाजी कराएंगे स्ट्राइक पे कृणाल पांड्या, और भाई मिडल स्टंप वहां पे धोनी तक पहुंच चुका है, इतनी खतरनाक इन स्विंगिंग यॉर्कर थी। एक होती है यॉर्कर, एक होती है इन स्विंगिंग यॉर्कर, और ये थी भैया खतरनाक इन स्विंगिंग यॉर्कर। बहुत ही बढ़िया विकेट मिला है कृणाल पांड्या के पास, कोई जवाब नहीं था इस गेम का, हो भी नहीं सकता भाई, इतनी ऑसम बॉल थी ये। नेक्स्ट कौन आएंगे ये देखना होगा। अब यहाँ पे जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी करने आए हैं, बॉलिंग में आज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है ऑब्वियसली भैया। और अगली गेंद, इसी बीच बुमराह, ओके बुमराह का चौका, क्या बात है, चौका नहीं मिलेगा वैसे, बढ़िया फील्डिंग हुई है वहाँ पे, और आराम से आई थिंक 2 रन मिल जाएंगे, और डायरेक्ट थ्रो आई है, ये आउट हो सकते हैं भाई। थर्ड अंपायर के पास गया, क्या बढ़िया फील्डिंग हुई है वहाँ पे, महेंद्र सिंह धोनी को जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ करने की, आउट लग रहे हैं, मुझे बाहर लग रहे हैं, जी हाँ काफ़ी बाहर है, काफ़ी बाहर है। जसप्रीत बुमराह भैया बैटिंग में बस इतना ही भागना था आपको, बॉलिंग में भागना जितना भागना होगा, आउट हो जाएंगे वो। और 1 रन बनाया पीयूष चावला, भाई क्या थ्रो मारी उन्होंने, जॉन्टी रोड्स पीछे छोड़ दिया आज तो, कमाल की फील्डिंग होती है। ट्रेंट बोल्ट आ चुके हैं बल्लेबाजी करने, हाईएस्ट स्कोर उनका 5 नॉट आउट है, लेकिन आई थिंक इस टाइम इतना ही काम है भैया, गोल्डन आइल को स्ट्राइक देते जाओ, बस वही करना है। और यहाँ पे गोल्डन आइल आउट हो सकते हैं भैया, फाइनली उनका विकेट गिर सकता है, लेकिन बढ़िया भैया फील्डर बॉल साथ ही ले गए। 18 ओवर हो चुके हैं, कुल्टन आइल का एक और शॉट, इस बार फिर से हवा में, क्या इस बार भी बॉलर 48 पे है यार, क्या 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 होगा, कैच होंगे, बिल्कुल कैच हो जाएंगे और आउट हो जाएंगे, तो 48 रन पे गुल्डन आइल आउट होते हुए, उनकी भी 50 रह गई, पर क्या क्रिकेट खेला, आई थिंक क्या परफॉर्मेंस दी है उन्होंने बैटिंग में, कमाल कर दिया, मुंबई इंडियंस के सारे सॉलिड बैट्समैन पीछे छोड़ दिया और खतरनाक बैटिंग की है, 7 चौके और 1 छक्का, बहुत ही खतरनाक। लेकिन अब मुंबई इंडियंस पे प्रॉब्लम आ चुकी है कि भैया वो ऑल आउट भी हो सकते हैं। 19 ओवर हो चुके हैं, लास्ट ओवर की पहली गेंद, 142 लास्ट विकेट है, उठा के मारना चाहते थे ट्रेंट बोल्ट, पीछे फील्डर है, मुझे लग रहा है ये बहुत ही इजी कैच रहेगा और ऑल आउट हो जाएंगे वहाँ पे मुंबई इंडियंस, तो 142 पे ऑल आउट हो चुकी है मुंबई इंडियंस। वहाँ पे दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट लास्ट बल्लेबाज थे मुंबई इंडियंस के लिए, और ये रहा भैया स्कोर कार्ड, 19.1 ओवर मुंबई इंडियंस ऑल आउट, इजी नहीं होने वाला है, पिच इतनी इजी नहीं लग रही है बैटिंग को लेके। कुल्टन आइल की बात छोड़ दो, उन्होंने अलग ही लेवल की क्रिकेट खेली थी, जो भी है शेन वॉटसन आ चुके हैं वहाँ पे, जसप्रीत बुमराह कराएंगे अपना पहला ओवर, शेन वॉटसन वैसे अकेले नहीं आए हैं। चलिए साथ में आया अंबती रायडू, पहली गेंद जसप्रीत बुमराह तैयार, शेन वॉटसन तैयार, चेन्नई की इनिंग स्टार्ट, क्या बनेगा, पहली ही गेंद, अच्छी गेंद, 1 रन मिलेगा भैया वहां पे, और चेन्नई का खाता पहली ही गेंद से खुलता हुआ बहुत ही आराम से। 3.1 ओवर हो चुके हैं, सिर्फ 12 रन आया, कोई बाउंड्री नहीं, कोई कुछ नहीं, नैथन गुंडल 9 भैया, क्या खतरनाक गेंद है, ये आउट लग रहे, आगे बढ़ के मारना चाहते थे अंबती रायडू और बिल्कुल फेल हो चुके हैं उसमें, LBW आउट हुए हैं, रिव्यू के लिए जाते हैं कि नहीं जाते, मुझे कोई रीज़न लग नहीं रहा, क्लियर आउट लग रहे हैं, वही हुआ 6 रन 11 बॉलों पे, रायडू भैया कुछ अच्छा स्टार्ट दे नहीं पाए और चेन्नई का पहला विकेट गिर जाएगा। 5 ड्यूप्लेसी आए हैं, अभी तक कोई भी बाउंड्री नहीं लगी है यहाँ पर, 4.2 ओवर्स हो चुके हैं, बहुत ही मुश्किल में चेन्नई सुपर किंग्स, स्टार्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा उन्हें नहीं मिला है, उठा के मारने की कोशिश, कोई पावर नहीं, कोई कुछ नहीं, पिच बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है, बैटिंग करना बहुत टफ हो चुकी है, शायद पहले बॉलिंग लेना एक बहुत ही गलत डिसीजन था। 5 ड्यूप्लेसी भी आउट होते हुए, और क्या बात है, राहुल चहर उन्हें आउट करेंगे, तो मुश्किलें चेन्नई की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। केदार जाधव नए बल्लेबाज आए हैं, यहाँ से मुझे लगता है मुश्किलें ज़्यादा बढ़ने वाली है भैया, क्योंकि सुरेश रैना टीम में नहीं है, तो चेन्नई के लिए वो एक सबसे बड़ी दिक्कत रहने वाली है। चलिए जो भी है, और अच्छा शॉट आते ही खेला वहाँ पे, 1 रन नहीं 4 ही मिल जाएंगे वैसे, बढ़िया शॉट है, चौका मिलेगा बहुत ही अच्छा, केदार जाधव पहली ही गेंद से चौका, तो सुरेश रैना के जूते फील शूज़ फील करना इजी नहीं होने वाला उनके लिए,
बट देखते हैं भाई क्या करते हैं। 4.4 ओवर्स हो चुके हैं, 2 विकेट गिर चुकी है, 19 पे केदार जाधव, अगली गेंद उनकी और फील्डर आगे ले आए थे वही गलती की और बढ़िया शॉट, एक और चौका जाएगा। तो 2 चौके लगातार वहां पे केदार जाधव ने लगाए। थोड़ी सी होप चेन्नई की आती हुई कि ऐसी बात नहीं है भैया, आराम से खेलो सब होगा। लास्ट बॉल आ चुकी है, 2 चौके लगे थे लगातार यहाँ पे और 3 कर दीजिए उसको, 3 चौके लगातार, हैट्रिक लगा दिए केदार जाधव ने, 3 चौके बहुत ही अच्छे। चलिए 5.1 ओवर्स हो चुके हैं, केदार जाधव नहीं सॉरी शेन वॉटसन स्ट्राइक पे थे, बहुत ही अच्छा शॉट है भैया, बैक फुट पे जाके उसको कवर ड्राइव किया है 4 रनों के लिए, बहुत ही अच्छा बैक ड्राइव पे हल्का सा पंच किया उसको, पुश किया 4 रनों के लिए, बढ़िया चौका आता हुआ वहाँ पे। 6 ओवर डन, सिर्फ 36 रन आए हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है भैया क्या कैच पकड़ा है, ओ भैया बहुत ही अच्छा कैच। मैं कह रहा था पहले 6 ओवर्स का इतना फायदा नहीं उठाया, लेकिन अब तो विकेट गिर चुका है तो भैया बहुत ही मुश्किल में है चेन्नई सुपर किंग्स। थोड़ा सा ये दोनों अच्छा खेलने लगे थे और एक अच्छा कैच मुंबई इंडियंस को वापस लाता हुआ, यही क्रिकेट की कहानी है भैया, कैचेस विन मैचेस, और ऐसे कैचेस हो फिर तो डेफिनेटली भैया मुश्किल में दूसरी टीम आने वाली है। हार्दिक पांड्या बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है। शेन वॉटसन थोड़े सेटल हो रहे थे बट अब अपना विकेट गिरा चुके हैं। फाइनली फाइनली महेंद्र सिंह धोनी भैया यहाँ पे आ चुके हैं और टीम को इस टाइम उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 3 आउट 50 रन, महेंद्र सिंह धोनी का अच्छा शॉट, 4 रन मिलेंगे वहाँ पे और बढ़िया चौका आता हुआ। स्लो खेल भी है काफ़ी ज़्यादा, 9 ओवर हो चुके हैं भाई, अब तो 9.2। हार्दिक पांड्या आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, केदार जाधव बिल्कुल फेल हुए, यॉर्कर थी ऑलमोस्ट और अपना विकेट गिराया, कोशिश अच्छी थी भैया बट गलत शॉट, गलत शॉट गलत टाइम पे लगाने की कोशिश होगी। यहाँ पे स्टार्ट लिया केदार जाधव ने और अपना विकेट गिराया 22 रन पे, थोड़ा सा इस टाइम संभलने की ज़रूरत थी। एक और विकेट कोलैप्स कर रही है चेन्नई भी वहाँ पे, पहले मुंबई को देखा अब चेन्नई को, रविंद्र जडेजा नए बल्लेबाज आए हैं, जिम्मेवारी इन पे भी काफ़ी बढ़ चुकी है। महेंद्र सिंह धोनी 11 रनों पे खेलते हुए और क्या बढ़िया शॉट लगाया वहाँ पे, धोनी भैया जब तक है चेन्नई की उम्मीदें हैं, और वही यहाँ पे दिखा है ये चौका, देखिए क्या बढ़िया, कितना सही कवर ड्राइव था, ये देख के मज़ा आ जाता है महेंद्र सिंह धोनी का ये कवर ड्राइव। चलिए अगली गेंद, क्रूनल कहाँ बोल रहा हूँ, हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करा रहे हैं, रविंद्र जडेजा का अच्छा चौका इसी बीच, क्या बात है बढ़िया, बिल्कुल खुश नहीं है यार वो। अगली गेंद आती हुई इसी बीच कुल्टन नाइल आ चुके हैं वापस, और पी लीजिए कुल्टन नाइल तो आज कुछ अलग ही लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ उनके अंदर क्या हो चुका है भैया, कोई चीट लग चुकी है क्या हो चुका है, उन्हें खेलना इम्पॉसिबल हो चुका है। पहले बैटिंग में ऑसम खेले और अब यहाँ पे अलग लेवल की बॉलिंग कर रहे हैं भाई, वो विकेट्स भी ले रहे हैं बैटिंग भी कर रहे हैं, मुंबई के लिए एक बहुत ही अच्छे प्लेयर निकल रहे हैं भाई वो तो। और 15 रन बना के रविंद्र जडेजा भी आउट होते हुए, चेन्नई की मुश्किलें बढ़ी जा रही है बढ़ी जा रही है वहाँ पे, बस एक ही उम्मीद है धोनी, ड्वेन ब्रेवो भी वैसे उम्मीद है और अच्छा खेलते हैं ऐसे मौक़ों पे, देखते भैया क्या बनेगा। सीधा उठा के मारने की कोशिश, लेकिन भैया आज कुल्टन नाइल को तो बॉल को बस किसी तरह रोक लो, उठाने की कोशिश ही मत करो, ब्रेवो ने वही गलती की, कुल्टन नाइल को मत खेलो भाई, ये कुछ अलग लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी के पास आंसर ही नहीं है इनकी क्रिकेट का। ड्वेन ब्रेवो भी बिना रन बना के आउट हो गए, 2 बॉलें खेली उन्होंने, ट्रेंट बोल्ट का अच्छा कैच था, सैम के रन आया है और इसके बाद मुझे नहीं लगता चेन्नई के पास कोई बल्लेबाजी है। तो 5 ओवरों में 56 रन चाहिए भैया, सीधी सी बात है, महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पे और लीजिए भाई, फाइनली धोनी का छक्का वहाँ पे देखने को मिला है, क्रूनल पांडे आए हैं, ये एक मौका हो सकता है और धोनी जानते हैं कब क्या किसको हिट करना है, वही वो कर रहे हैं आई थिंक, छक्का लगाया 31 पे पहुंचे। अगली गेंद इस ओवर की और एक और शॉट हवा में, गैप है वहाँ पे बहुत ही बड़ा, धोनी ने ये चीज़ देख ली है और लगाएंगे चौका, मैच थोड़ा सा वापस चेन्नई की तरफ लाते हुए वो, और वैसे तो जब तक धोनी खड़े हैं मैच चेन्नई के पास ही है मेरे हिसाब से। चलिए अगली गेंद आती हुई 5वीं गेंद इस ओवर की, क्रूनल पांड्या एक बार फिर से लातों की तरफ जाएंगे और एक बार फिर से धोनी उठा के लगा देंगे, भाई इतना बड़ा गैप है क्यों लगातार यहाँ पे बॉलिंग करा रहे हो, धोनी ने सही पकड़ लिया, वो लगा रहे हैं भाई उन्हें, वो नहीं छोड़ने वाले हैं तब तक। चलिए भैया 5वीं गेंद, कुल्टन नाइल आगे, महेंद्र सिंह धोनी, और भाई किसी के पास जवाब नहीं था सिवाय महेंद्र सिंह धोनी के, क्या बड़ा सिक्स लगाया यार उन्होंने, नैथन कुल्टन नाइल होंगे भैया लेकिन महेंद्र सिंह धोनी धोनी है भाई, क्या सिक्स लगा, अभी तक का बेस्ट सिक्स है ये, बहुत ही लंबा सिक्स था भाई ये तो, क्राउड में गया प्रॉपर, बहुत ही अच्छा छक्का, रोहित शर्मा भी खुश नहीं है इसको तो देख के। तो फाइनली 29 रन चाहिए 19 पे, धोनी खेल रहे हैं 49 पे, क्या आज महेंद्र सिंह धोनी अच्छा तक लगाएंगे देखना, यहाँ पे ये होगा, बहुत ही अच्छा खेला है, पीछे फील्डर, लास्ट बॉल थी सिंगल लेना ही था उन्होंने और अपना अच्छा तक भी पूरा किया है, क्या बात है।
अकेले खड़े हुए हैं भाई, वो अकेले लड़ रहे हैं। आज पूरी टीम ने उनको धोखा दिया, बट वो अकेले लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छी 50। चलिए, 2 ओवर बचे हैं, 24 चाहिए। और अच्छा शॉट वहाँ पे सैम करन का, अच्छा शॉट यार, 4 रन आएंगे। मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है यहाँ पे, और बिल्कुल खुश नहीं ट्रेंट बोल्ट इसको। चलिए, अगली गेंद इस ओवर की सैम करन, और सीधा खेला है सैम करन ने, बिल्कुल सीधा खेला है। और ये मुझे लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल 6 रन जाएंगे, बिल्कुल सीधा सिक्स था ये तो। 99 मीटर लंबा छक्का, बहुत ही लंबा, बहुत ही बढ़िया छक्का था ये। सैम करन की ऑसम क्रिकेट देखने को मिल रही है वहाँ पे, खतरनाक क्रिकेट भी कह सकते हैं इसको। तो क्या चेन्नई यहाँ से मैच जीत सकता है या मुंबई वापसी कर सकता है, ये देखना अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है भैया। लास्ट ओवर आ चुका है, 12 चाहिए 6 बॉलों पे। महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पे, पहली गेंद, बुमराह से अच्छा बॉलर नहीं मिल सकता इस टाइम पे, और हवा में, और लीजिए चेन्नई का सपना यहाँ पे अब टूट टूट सकता है भाई, अब ख़त्म लग रहा है। जसप्रीत बुमराह से अच्छा बॉलर ऐसे मोमेंट पे मिल नहीं सकता था धोनी के आगे, और वही हुआ, वही हुआ यहाँ पे। महेंद्र सिंह धोनी आउट होते हुए काफ़ी कोशिश की, काफ़ी आगे तक टीम को लाए, लेकिन इस टाइम नहीं कर पाए। हार्दिक पांड्या एक बार फिर से भाई अच्छा कैच पकड़ते हुए हर जगह आज वो फील्ड में 52 रन्स बनाए, बहुत ही अच्छी क्रिकेट। और अब यहाँ से नहीं लग रहा टीम जीत सकती है, देखते हैं पीयूष चावला नए बल्लेबाज आए हैं। चलिए, 3 गेंदें 9 रन, और कोशिश की थी खेलने की, बिल्कुल नहीं खेल पाए, तो मुश्किलें बढ़ चुकी है। 2 बॉलों पे चाहिए 8, सैम करन स्ट्राइक पे, सीधा खेलने की कोशिश, लेकिन भैया बुमराह को खेलना आसान नहीं है। तो फाइनली लास्ट 2 बॉलों पे, या कह लो लास्ट बॉल पे वन साइडेड हो गया, लेकिन तब तक मैच बहुत इंटरेस्टिंग था। आखिरी गेंद पीयूष चावला के समझ ही नहीं लगी कहाँ से आई कहाँ को गई, और फाइनली 6 रन से मुंबई ने यहाँ पे मैच जीत लिया। रियल में मुंबई जीतता है नहीं मुझे नहीं पता भाई, गेम में जरूर जीत गया, बट ऑब्वियसली भाई मैं भी बहुत दिनों बाद खेल रहा था, तो बैटिंग जो है थोड़ी तो ऑफ ट्रैक जानी जानी थी, बट स्टिल मुझे अच्छा लगा, काफ़ी क्लोज मैच गया, मज़ा आया। धोनी भाई बहुत बढ़िया खेले, मैन ऑफ द मैच इजिली नैथन गुड नाइल बनते हैं जिस हिसाब की उन्होंने क्रिकेट खेली आज, बहुत ही बढ़िया। 48 रन प्लस 3 विकेटें 24 रन देखे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, कल वाली वीडियो पे मिलते हैं कल के मैच के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।